हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि अगर इस तरह की पेस जैसे वुड कर रहा था या आगे आज भी देखेंगे आप बॉलर जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे कि ये जो बॉक्स है जिसमें आप खड़े हो इस वक्त यू नो द क्रीज जिसको बोलते हैं सो इसके यू नो यू गॉट टू स्टे बैक इनसाइड दैट टू गिव योरसेल्फ मोर चांस या यू कैन स्टैंड आउटसाइड ऑल्सो बिल्कुल मेरे ख्याल में बड़ा इम्पॉर्टेंट है जब आप बाहर खड़े होते हैं मकसद ये होता है कि आप गेंद को जल्दी पकड़ना चाहते हैं और गेंद थोड़ा सा आगे है तो मैं उसको उस स्विंग बॉलर को कैट टैकल करने के लिए कि मैं जल्दी पकड़ूं ताकि वो स्विंग उसको ना मिले और मुंह में मैं गेंद को बनाऊं जब एक बंदा 145 और 150 पे बॉल कर रहा है और मैं और आगे आ जाऊंगा बाहर तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा ना मेरे तो मुझे टाइम ही नहीं होगा मेरे पास तो मैं कोशिश करूँगा मैं जितना ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ मुझे तो बिल्कुल यहाँ पर खड़ा होना चाहिए ताकि मुझे और वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलना है वो मिल जाए मुझे तो ये की है विद दैट टाइप ऑफ बाउंस आपको ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके अपने आप को मुसीबत में डालें दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ जैसे बाबर है बाबर की टेक्निक है कि वो नॉर्मली ये करता है स्टांस उसका ये और वो यूं करके ये रेडी पोजिशन है उसकी एंड देन वो जो भी उसके बाद मूवमेंट करता है वो वहीं से खेलता है फिर बैक फुट वो दोबारा इसको मूव नहीं करता पीछे भी ले जाने की कोशिश नहीं करता ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन नॉर्मली वो हिलते नहीं हैं बट वो खड़े खड़े अपने आप को लोड कर लेते हैं वो ये खड़े हैं जैसे वार्नर है तो यहीं पे ही उसका ये लोडिंग होती है वो ऐसे करता है बस एंड देन वो आगे नहीं जाता वो वहीं स्टे करता है पीछे ज़रा सा उसको बाहर नज़र आती है कट मार देता है कोशिश होती है ज़रा टाइम मिल गया तो इधर को मार दी बट जो टाइम हम ये वेस्ट करते हैं क्या वहाँ बॉल है मुझे पता है मैं ये फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकता लेकिन फिर भी मैं यूँ करके एक दफ़ा यूँ कर रहा हूँ और फिर उसको खेलने की कोशिश कर रहा हूँ तो देन आपके पास इतना टाइम नहीं है तेज पिच पे तेज ये जो अभी आप बात कर रहे थे वकार ये मार्क फुट की एक और डिलीवरी है ये जरा आपकी स्क्रीन पे हम दिखाते हैं आपको उस पे जरा नजर डालें देखिए ना इट्स कमिंग ऑन द फ्रंट फुट यस या ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड हिज क्रीज समझ भी नहीं आ रही करना क्या है स्टैंडिंग आउटसाइड हिज क्रीज ही इज गॉट टू बी रियली बैक एंड वेरी क्लोज टू द स्टंप्स दे आर बेसिकली इसमें अगर आप देखें दे आर स्टक देयर अच्छा नीचे से पैर मूव कर रहे हैं लेकिन अगर हाथ देखें जी बल्ले से खेलना है तो वो क्योंकि माइंडसेट ऐसा हुआ हुआ है वो कहीं पे भी नहीं जा रहा बैट तैयार ही नहीं है तो आप नीचे से जितने मर्जी पैर हिला लें जब तक मैं ये नहीं रेडी करूँगा जिससे मैंने खेलना है तो मैं क्या करूँगा नीचे से हिल रहा हूँ यानी ये आपका जब तक तैयार नहीं होगा तभी आप रोक भी अच्छा सकते हैं तेज़ बॉलर को और मार भी सकते हैं तो दोनों चीज़ें आपकी बेस and your hand and bat both are very important. All right, guys.